हेलो गाइस, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास एंड ईजी होने वाला है। हमको पता है गाइस, आप सब लोग सोचते हैं काश हम भी ऐसा फेस को स्मूथ कर पाते हैं और काश ऐसा बैकग्राउंड हम बना पाते हैं या फिर ऐसा फोटो हम एडिट कर पाते हैं। बट आप लोग से नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है कि आपको पता है कि आप एडिटिंग सीखने में बहुत ही टाइम लगता है। बट अगर आप मेरे एडिटिंग को सीखते हैं, देखते हैं वीडियो को, तो कन्फर्म है गारंटी आप बहुत ही जल्दी एडिटिंग सीख जाइएगा। चलिए हम इस वीडियो को सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी के। तो देखिए, सबसे पहले हमको बिना एडिट वाला फोटो लेना है, जो कि हमारा जो बिना एडिट वाला फोटो कुछ इस टाइप का है। एंड एडिट वाला फोटो आप देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको एडिट वाला फोटो को लेना है, बिना एडिट वाला फोटो को, और इसको हमको ले चलना है कहाँ पर, लाइट रूम के अंदर। देखिए, मैं आपको आराम से बताऊंगा सब कुछ आपको अच्छे तरह से देखना है। तो देखिए, हमको लाइट रूम के अंदर आना है। और देखिए, आपको पता है कि मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक प्रीसेट देता हूँ, जो कि प्रीसेट को आपको डाउनलोड कर लेना है। और प्रीसेट पर आने के बाद हमको जाना है 3 डॉट पर, और हमको जाना है कॉपी सेटिंग पे, और कॉपी को इसको और इसको मार्क लगाएंगे, फिर हम हील और क्रॉप को हटा लेंगे, फिर हम सही करेंगे। देखिए, सेटिंग कॉपी हो चुका है, जो कि आप लिखा आ चुका है। फिर हम जाएंगे अपने फ़ोटो पे, और अपने फ़ोटो पे जाने के बाद देखिए, हमको इधर से करने के बाद हम पेस्ट कर देंगे सेटिंग को। देखिए गाइस, पेस्ट करने के बाद देखिए कितना अच्छा ये प्रीसेट है, जो कि आप देख सकते हैं 1 क्लिक में फोटो कितना हैवी हो चुका है, कितना सारा लाइट आ चुका है। एंड बैकग्राउंड आप देख सकते हैं स्काई ब्लू हो चुका है। उसके बाद देखिए, हमको जाना है सबसे पहले कहाँ पे, हमको जाना है कलर पे, और हमको जाना है मिक्स पे। और देखिए, सबसे पहले हमको जाना है इस वाले कलर पे, और हमको इस सिचुएशन को इतना हाई करना है, और इसको लो करना है। देखिए, इस तरह कुछ इतना कम करने के बाद देखिए, हमको इतना करना है। फिर देखिए, आप फेस को मान लीजिए फेस पे और ज़्यादा ही लाइट देना चाहते हैं, तो उसके लिए देखिए, हम जाएंगे 2 नंबर पे, और जो नीचे का लुमिनेस आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको हम देखिए हाई करेंगे तो फेस पे लाइट आएगा, कम करेंगे तो फेस पे लाइट जाएगा। हम इसको हाई कर देते हैं, देखिए इतना ही हम इसको रहने देते हैं। उसके बाद देखिए, इस फोटो को हमको शेयर करना है कहाँ पे, स्नैपशीट के अंदर। देखिए, हमको उसके बाद ले चलना है स्नैपशीट के अंदर। देखिए, हम जाएंगे स्नैपशीट में, ये रहा हमारा स्नैपशीट। और इस पे आने के बाद हमको सबसे पहले हम जाएंगे टूल्स पे, और हमको सिलेक्टिव पे जाना है, और हमको देखिए सबसे पहले सर्ट पे मार्क करेंगे इस तरह। देखिए, मार्क लगाने में सबसे सिचुएशन को कम करेंगे, जिससे हमको इसको वाइट करना है, और इसको भी हम सिचुएशन को कम करेंगे। जहाँ पे भी शर्ट पे इफेक्ट आया हुआ है, हम इसको कम कर देंगे सिचुएशन को, तो इससे इफेक्ट हट जाएगा। देखिए, इस तरह बहुत ही तरह से देखिए, हमको इस तरह हटा देना है लाइट को। देखिए, हटाने के बाद कुछ फिर हमको जाना है सिलेक्टिव पे, और सिलेक्टिव पे जाने के बाद देखिए, जहाँ पे भी आपको फेस पे आपको ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, हमको इस तरह मार्क लगाना है, और मार्क लगाने के बाद आपको इस तरह लाइट देना है, सिचुएशन को कम करना है। देखिए, कितना ओपी तरह से लाइट आ चुका है। फिर मान लीजिए यहाँ पर लाइट कम है, तो यहाँ पर हम लाइट देंगे इस तरह, जहाँ पर लाइट कम है वहाँ पर हमको मार्क लगाना है बस, और हमको लाइट देना है इस तरह। देखिए, सिचुएशन को कम करना है। देखिए, कितना अच्छा लाइट आ जा रहा है, आप देख सकते हैं। इस तरह हमको लाइट दे देना है जहाँ पे भी आपको लाइट कम दिख रहा होगा। सबसे काम मुश्किल होता है यही लाइट वाला। फिर हमको पैर पर लाइट देना है, तो हम पैर पर लाइट दे देंगे इस तरह, और सिचुएशन को कम कर देंगे। तो देखिए बालू, इतना काम हो गया है। फिर हमको जाना है टूल्स पे, और हमको जाना है डिटेल पे, और हमको नीचे जाना है, और शार्पनिंग को इतना हाई करना है। देखिए, उसके बाद कुछ इस टाइप का फोटो हमारा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस पर रेमनी यूज करके बहुत ही हार्ड फोटो बना सकते हैं। देखिए, इतना काम करने के बाद हमको सबसे पहले क्या करना है, नेट को ओपन करना है। देखिए, इस तरह अपने नेट को ओपन करना है, और इस फोटो को शेयर करना है कहाँ पे, फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर, जिससे कि बैकग्राउंड होता है कटआउट। हम सबसे पहले करेंगे बैकग्राउंड का कटआउट। तो देखिए, हम करते हैं बैकग्राउंड कटआउट, तो फोटो रूम पर जाएंगे, और उसके बाद देखिए अब ये प्रोसेसिंग में जाएगा। देखिए, प्रोसेसिंग में आ चुका है। देखिए, अब कुछ नहीं करना होता, बस आप शेयर कीजिए, बस ऑटोमेटिक कुछ ही सेकेंड के अंदर ये बैकग्राउंड देखिए कटआउट हो चुका है। फिर देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट पे। देखिए, अभी लोडिंग देखिए यहाँ पे आ चुका है, तो हम ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद देखिए, हमको यहाँ से इसको अभी डाउनलोड का ऑप्शन आएगा एक ऊपर। देखिए, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे ऊपर, तो हम डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। देखिए, क्लिक करने के बाद देखिए, हम सेव टू इमेज कर लेंगे, सेव टू गैलरी। देखिए, फोटो तो इतना हमारा सेव हो चुका है। फिर हम फोन उठाते हैं फ्लाइट में, एंड आगे प्रोसेस हम करते हैं। देखिए, हम जाएंगे गैलरी पे फिर, और गैलरी पे जाने के बाद हमको अपने फ़ोटो को लेना है, जिस भी फोटो को, फोटो को नहीं, हम देखिए आपको दे दूंगा बैकग्राउंड, एक डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड कर लेना है बैकग्राउंड को, और हमको लेना है इसको। और ले जाने के बाद हमको एक बैकग्राउंड, जो कि मैं दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, जो कि आपको पता है कि बैकग्राउंड बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए आपको शॉर्टकट में दे दिया हूँ, ताकि आप बहुत ही ईजी तरह से किसी भी फोटो पर इस बैकग्राउंड को यूज कर सकते हैं। फिर देखिए, हमको जाना है पिक्सआर्ट में, और पिक्सआर्ट देखिए हम देखते हैं कहाँ पे हैं। देखिए, ये पिक्सआर्ट रहा, तो हम पिक्सआर्ट में जाएंगे, और पिक्सआर्ट में आने के बाद देखिए अभी लोडिंग ले रहा है। देखिए, पिक्सआर्ट में आने के बाद हमको जाना है ऐड फोटो पे, और ऐड फोटो पे जाकर हम अपने जो फोटो कटआउट किए थे फोटो रूम से, उस फोटो को हमको लेना है। देखिए, फोटो को लेने के बाद हमको इस तरह बैठा लेना है। देखिए, यहाँ पे
इस तरह बैठा लेना है, फिर हमको इसको सही करना है। फिर देखिए इतना काम हो गया, फिर हमको नेट का काम है तो उसको हम हटाते हैं। एंड देखिए हमको यहाँ पे एक ऑप्शन है नीचे स्टिकर का, हम स्टिकर पर जाएंगे और स्टिकर पाने के बाद देखिए हमको सर्च करना है क्या, ग्रास हमको सर्च करना है यानी कि घास, GRASS ग्रास हमको सर्च करना है। और सर्च करने में देखिए बहुत सारा PNG आ चुका है, आप देख सकते हैं, आप जो चाहिए वो PNG ले सकते हैं, इसलिए हम इसी PNG को लेते हैं। आप जितना भी चाहिए उस PNG को ले सकते हैं। देखिए इसको लेने के बाद कुछ इस तरह लगाना है, फिर हमको जाना है कहाँ पे, एडजस्ट पे, और हम जाएंगे हुई पे और इसको भी हम येलो कर लेंगे। देखिए इस तरह, देखिए येलो करने के बाद हम सही कर लेंगे इसको। देखिए कितना OP लग रहा है। अगर आप इसको चाहते हैं कुछ ब्लर करना नीचे, तो आप इफेक्ट पे जाइएगा और हमको जाना है ब्लर पे, और इस पे जाने के बाद इरेज पे हमको इन्वेट कर लेना है। फिर हम नीचे इस तरह ब्लर पॉइंट दे देंगे जिससे लगेगा ये फोटो जब शूट हुआ है तो ये ब्लर हुआ है। देखिए ये काम हो गया। फिर हमको जाना है इफेक्ट पे। अगर आप चाहते हैं अपना बैकग्राउंड कलर चेंज करना एक क्लिक में, तो हमको इस तरह जाएंगे कलर रिप्लेस पे और बैकग्राउंड पे मार्क लगाएंगे। देखिए इस तरह आप जो कलर चाहते हैं वो कलर आप इस तरह कर सकते हैं। देखिए वन क्लिक में कितना हार्ड कलर ये हो जा रहा है, देख सकते हैं आप कितना OP ये भी लग रहा है, सब कितना खतरनाक लग रहा है। आप जो चाहते हैं वो रख सकते हैं, बट मैं नहीं रखूँगा। फिर उसके बाद देखिए हमको नॉन पे जाने के बाद सबसे पहले डिस्कार्ड करते हैं, फिर कलर रिप्लेस पे जाएंगे और अपना शर्ट जीन्स पे मार्क लगाना है और इसको हमको ब्लू कर लेना है। देखिए ब्लू कहाँ पे है, देखिए हमको ये कलर कर लेना है। देखिए ये कलर, फिर हम इसको सही कर देंगे। देखिए ये कलर बहुत अच्छा लगता है जीन्स पे, आपको होता है जीन्स इसी कलर का होता है। फिर इतना काम होने के बाद देखिए इस फोटो को हमको सेव करना है, और उसके बाद आपको पता है सेव करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले फोटो को ले चलना है रेमनी में, क्योंकि फोटो का क्वालिटी कम है तो हम जाएंगे रेमनी में एंड हम फोटो का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा हाई करेंगे अभी, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो देखिए हमको रेमनी में आने के बाद हमको जाना है अपने फोटो पे, जो भी फोटो को हमको, और उसके बाद देखिए ऊपर लिखा हुआ है नेक्स्ट, हमको इस पर क्लिक कर देना है। देखिए क्लिक करने के बाद एक ऐड आता है 30 सेकंड का, हम चलिए इसको स्किप करते हैं एंड आगे आपको दिखाते हैं सब कुछ। देखिए गाइज हमारा जो ऐड हुआ है वो चल चुका है एंड रिवार्ड्स ग्रांटेड लिखा हुआ है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए फोटो हमारा यूज हो चुका है रेमनी। देखिए हम इसको जूम करते हैं एंड पहले आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाते हैं। देखिए पहले इस तरह कुछ क्वालिटी था, उसके बाद देखिए क्वालिटी कितना हार्ड हो चुका है, आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, देख सकते हैं क्वालिटी कितना हार्ड हो चुका है। उसके बाद देखिए ऊपर एक ऑप्शन है डाउनलोड का, तो हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे एंड लिखा हुआ है सेव, तो हम सेव करेंगे। उसके बाद देखिए एक और ऐड आता है 30 सेकंड का, हम इसको भी स्किप करते हैं और आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारा ऐड चल चुका है, फिर हम कट करते हैं यहाँ से, और कट करने के बाद देखिए फोटो अभी सेव हो रहा है नीचे, आप देख सकते हैं गैलरी में। देखिए ये फोटो हमारा सेव हो रहा है, जो कि टाइम लगता है कुछ सेकंड तो लगता ही है। देखिए फोटो हमारा सेव हो चुका है, अब हमको नेट का कोई भी काम नहीं है। चलिए देखिए उसके बाद हमको गैलरी में जाना है एंड आपको मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ कितना हार्ड क्वालिटी बन चुका है। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, देखिए फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए अब फोटो कितना क्वालिटी हार्ड हो चुका है। अब आप स्मूथ कीजिएगा तो बहुत ही खतरनाक स्मूथ होगा, जो कि आप लोग यही काम नहीं करते हैं जिससे फ़ोटो ख़राब होता है। देखिए हम जाएंगे अब स्मूथ वाले यानी कि ऑटोडेस्क के अंदर। देखिए हम स्मूथ वाले इसको कह सकते हैं एप्लीकेशन, तो हम जाएंगे स्मूथ वाले एप्लीकेशन में और हमको जाना है पेंसिल पे, और हम नीचे जाएंगे एक पेंसिल मिलेगा ये वाला स्मूथ के, ठीक है, राउंड ब्रिस्टल ब्रश, इसको लेने के बाद देखिए आपको सेटिंग पे जाना है और सेटिंग कुछ इतना रख लेना है। उसके बाद देखिए हमको फेस पे जाना है, जो कि आप देख सकते हैं ये हमारा फेस है, और हमको कुछ इस तरह साइज को अपने छोटा बड़ा करके हमको अपने हिसाब से इस तरह स्मूथ करना है, देख सकते हैं आप। चलिए मैं स्मूथ को आराम से आपको दिखाते हैं किस तरह स्मूथ करना है। देखिए सबसे पहला जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, हम इसको स्मूथ करना होता है, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि सबसे पहले आप ऊपर वाला पार्ट को स्मूथ कीजिए, जिससे बहुत ही अच्छा होता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा तरह से ये स्मूथ हो गया है। देखिए उसके बाद आपको जिस तरह मैं पेंसिल चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं जिस तरह मैं ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ, उस तरह आपको भी ब्रश यूज़ करना है। आपको पता है सबसे हार्ड होता है ब्रश यूज़ करना। अगर मान लीजिए अगर सबसे ज़्यादा आप टाइम देते हैं ब्रश यूज़ करने में, तो मान लीजिए आपका फोटो बनना बहुत ही अच्छा बनने लगा। चलिए वीडियो को फास्ट करते हैं एंड आपको जल्दी से करके दिखाते हैं मैं किस तरह ब्रश चला रहा हूँ। देखिए आपको जल्दी जल्दी से इस तरह कर लेना है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। देखिए सबसे मुश्किल काम होता है ब्रश चलाना। अगर मान लीजिए आपको ब्रश चलाना आ गया तो सब कुछ आ गया। देखिए आपको कुछ इस तरह ब्रश यूज़ करना है और इस तरह आराम से आपको स्मूथ कर लेना है। जिस सेटिंग में रखा था उसी सेटिंग आपको करना है। देखिए भाई लोग हमारा फोटो स्मूथ हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए हमको क्या करना है, लिप्स को रेड करना है। उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे लेयर पे और हमको इसको क्लिक करना है एंड डुप्लीकेट कर लेना है, यानी कि लेयर को डुप्लीकेट बना लेना है। फिर हम पेंसिल पे जाएंगे और इधर स्लाइड करेंगे। फिर हमको एक पेंसिल लेना है, जो कि ये पेंसिल को हमको लेना है, और पेंसिल को लेने के बाद हमको जाना है कलर पे और हम इसको रेड कर लेना है। देखिए इस तरह करने के बाद देखिए हमको अपने लिप्स को इस तरह पेंट करना है। देखिए आप इस तरह आराम से पेंट कर दीजिएगा अपने लिप्स को।
देखिए पेंट करने के बाद हमको जाना है लेयर पे और ऊपर वाले पे क्लिक करना है, फिर हम ओपसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। देखिए कितना अच्छा ये लग चुका है, फिर हम इसको सेव करना है। देखिए आगे का प्रोसेस कितना ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है, जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना हार्ड हुआ है आगे का प्रोसेस। देखिए हम इसको सेव कर लेते हैं फ़ोटो को, एंड आगे का प्रोसेस हम अभी दिखाएंगे आपको। देखिए ये हम सेव कर लिए हैं, एंड उसके बाद हम फोटो को चलते हैं सबसे पहले गैलरी में। देखिए फोटो हमारा यहाँ पे आ चुका है सेव होकर, आप देख सकते हैं। फिर देखिए उसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले ले चलना है फोटो कहाँ पे, स्नैपशीट के अंदर। एंड स्नैपशीट में बहुत सारा ट्रिक होता है जो कि आप कभी यूज ही नहीं करते हैं, हमको लगता है उसी के लिए आपको फोटो अच्छा नहीं बनता है। देखिए स्मूथ करने के बाद हमको आना होता है कहाँ पे, स्नैपशीट के अंदर। फिर हम जाएंगे टूल्स पे और ये नीचे एक ऑप्शन होता है ट्यून इमेज का, हम ट्यून इमेज पे जाना होता है। फिर देखिए हमको इसको स्लाइड करेंगे तो इतना सारा ऑप्शन आएगा, तो हम एम्बियंस को हाई कर देंगे और शेडो को हाई कर देंगे। देखिए इतना काम होने के बाद फिर हम सही करेंगे। फिर हमको जाना है कहाँ पे, सिलेक्टिव पे, और हम जूम करेंगे और देखिए आपको नाक पे बस इस तरह मार्क लगाना है, और हमको सबसे नीचे जाना है और इसको हमको कम करना है। देखिए गाइस देखिए कितना हार्ड वाला स्मूथ हो चुका है, जो कि मेरा जो स्मूथ होता है वही स्मूथ हो चुका है। फिर देखिए हमको जाना है टूल्स पे और यहाँ पे एक ऑप्शन है पोर्ट्रेट का, यहाँ पे हमको पोर्ट्रेट पे जाना है। और पोर्ट्रेट पाने के बाद देखिए हमको जाना है कहाँ करना है, देखिए स्किन स्मूथनेस को पूरा फुल कर देना है। देखिए जो एकदम कि स्मूथ कितना हार्ड वाला हो चुका है, आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। देखिए इतना काम होने के बाद आप सोच सकते हैं कितना फोटो ओपी बन चुका है। फिर एक ट्रिक हमें बचा हुआ है, उसके लिए देखिए हम जाएंगे फोटो को लेकर कहाँ पे, लाइट रूम के अंदर। जी ये हमारा लास्ट ट्रिक है, एंड इसी ट्रिक में फोटो बहुत ही हार्ड बनता है। तो देखिए हम इसको ले चलते हैं कहाँ पे, लाइट रूम के अंदर, जो कि ये रहा लाइट रूम। तो हमको लाइट रूम में शेयर करेंगे फोटो को और हमको लाइट रूम को ओपन करते हैं। और भाई लोग जानते हैं एक मैं जो देखा था सेटिंग को, तो आप लोग सब्सक्राइब किए नहीं ये सेटिंग मेरे चैनल को, जो कि दिखाता है YT स्टूडियो में। मेरे कम से कम 60% बंदे जो मेरे वीडियो देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो ऐसा काय करते हो भाई लोग। मान लीजिए मैं आपके लिए सब कुछ करता हूं, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया, अच्छी बात नहीं है। तो चलिए हम इस वीडियो को आगे करते हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए नहीं कीजिए हमको क्या करना है, बट सब्सक्राइब कीजिएगा तो अपने भाई को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आपके चलते। तो देखिए हमको इसमें आने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ पे, जाएंगे कलर पे और हमको जाना है मिक्स पे। और देखिए सबसे पहले हम जो हेयर पे इफेक्ट आया हुआ है उसको हम हटाएंगे, उसके लिए हम जाएंगे इस वाले कलर पे और इसके सिचुएशन को लुक करेंगे। फिर हम इस पे जाएंगे और इसके सिचुएशन को लुक करेंगे, देखिए हट चुका है। फिर हम इस पे जाएंगे और इसके हुई को कम करेंगे। देखिए फोटो बिफोर एंड आफ्टर कितना ओपी लग रहा है, जो कि पहले कुछ इफेक्ट आया हुआ था, अब इफेक्ट हट चुका है एंड फोटो भी ओपी लग रहा है। फिर हम देखिए फेस पे रेड टोन देंगे, कैसे देंगे रेड टोन, हम जाएंगे दो नंबर पे और इसके हुई को लुक करेंगे एंड सिचुएशन को इतना लो करेंगे। देखिए इतना नहीं, हम इतना ही रहने देते हैं। और फिर देखिए हमको टेम्प को हाई करना है और टिंट को भी हाई करना है, फिर हम वाइब्रेंस को भी हाई करना है, फिर हम सिचुएशन को लो करना है। फिर देखिए हमको जाना है इफेक्ट पे और हमको विग्नेट को लो करना है। उसके बाद हमको डिटेल पे जाने के बाद इसको हाई और नॉइज रिडक्शन को हाई, और उसके बाद कलर नॉइज रिडक्शन को हाई, फिर स्मूथनेस को पूरा फुल। देखिए उसके बाद फोटो कितना हमारा लजवाब बन चुका है, आप देख सकते हैं फेस पे कितना रेड टोन आ चुका है। देखिए गाइस कुछ इस तरह आप फोटो बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो गाइस लास्ट बार बता रहा हूँ एंड बोल रहा हूँ कि भाई लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि आपको पता है कि मेरा अभी सब्सक्राइबर 7000 हुए हैं, जो कि हमको हम सोचते हैं काश हमारे भी 10K 20K होते सब्सक्राइबर। तो बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।